फाइनली गाइस बयान खत्म हो चुका है। हमने वो छोड़ा है फजूल तरीन काम
ये पीछे भी है, दुख होता है कि हम सफर करने वाले लोग सारा दिन सड़कों पर रहते हैं, ट्रैफिक लगी है बड़ी बड़ी, क्या अजी कैनेडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, अल्लाह की कसम दिल दुख है कोई हर जगह के कोल कुरान हो गए वो कैनेडा पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास कुरान है बताओ मुझे, वो कुरान तुम्हारे पास है कि कैनेडा वालों के पास, कुरान तुम्हारे पास है कि यूके वालों के पास, कुरान तुम्हारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया वालों के पास, वो कुरान तो तुम्हारे पास है, होना तो ये चाहिए था ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हारे पास आते आके कहते भाई तुम्हारे पास कुरान है उसमें लिखा है तिलिया नंदी पुलिस है, तुम्हारे पास कुरान है जिसमें लिखा है भला रकबी भला याबिसी इल्ला फी किताबी मुबीन, दुख है कुरान वाले उनके पास जा रहे हैं जिनके पास है ये ठीक है, ये पता क्यों जा रहे हैं क्योंकि कुरान पाक है हमारे पास, कुरान पाक तो हमारी उम्र है, कुरान पाक तो गुलाफ में कुरान रह गया वो ताम के लिए, कुरान रह गया फूकों के लिए, कुरान रह गया तावीजों के लिए, कुरान रह गया माफल में बस इत्तला करने के लिए थोड़ा सा पढ़ने बस बाकी अल्लाह वाले ऐसा दुखी बात यह है मुझे समझ नहीं आती है धोखे गए वो पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आएगा, पूरी शादी में किसी एक बंदे को कुरान नहीं याद आएगा क्योंकि कुरान ने क्या क्या कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, शादी की इब्तिदा से लेकर दुल्हन रुख्सत करने तक किसी को कुरान याद नहीं, तेल पे नहीं याद, मेहंदी पे नहीं याद, माइन पे नहीं याद, किसी को कुरान नहीं जाना, बारात आएगी फौजी बैंड बजेगा उसके आगे दोस्त नाचेंगे, मेरे ख्याल से दरवाजे पे खड़े होके जवान लड़कियां इस्तकबाल करेंगी फूल फेंकेंगी दरमियान में कोई पर्दा नहीं होगा डीजे बजेगा सारी बहनोई खतरनाक नहीं रिश्ता सारी रास्ता रुकेगी आपस में बेहूदा गुफ्तगू होगी छेड़ा जाएगा एक दूसरे को किसी को कुरान नहीं जाना, खतरनाक तरीन रिश्ता बैठ है देवर भाभी हम ये नहीं पता आपके लिए रिवाज है कि नहीं है समझ में पंजाब में है क्या करते हैं जो देवर है वो भाभी के घुटने पे बैठ है करना किसी को कुरान नहीं लड़की होता है जब दुल्हन को सब करने लगते हैं तो फिर लोगों को कुरान याद आ जाता है फिर लोगों को जब नाचे थे तब नहीं जाता जब जवान लड़कियों को खड़ा करके उनसे फूल फिटवाए थे तब नहीं किसी को पता था दोनों कुछ कहेंगे मुझे नहीं पता कि सुखद किस बात का एहसास भी सोता हूँ करते हैं खा
देखे ना जब बुजुर्गो में तरंगी रहती है, लिखा कोई बुजुर्ग थे अपनी मछली को लेकर मछलियां पकड़ने चले, वो करते क्या थे, वो मछली पकड़ते पीछे अपनी मछली को पकड़ाते, वो क्या करती मछली पकड़ने में उसको देख के वो फिर पानी अब हजरत को नहीं पता के पीछे क्या चल रहा है। अब उनके ख्याल में काफी मछलियां जमा हो चुकी, जब दोपहर का वक्त करीब आया उन्होंने वो मछली पकड़ने का जो कांटा था उसको लपेटा और अपनी बच्ची को कहते हैं बेटा दिखाओ कितनी मछली है, उसने कहा बाबा मछली तो कोई भी नहीं, कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी थी, कहा दी तो थी तो कहा वो किधर गई, उसने कहा वो तो मैंने वापस पानी में फेंक, तो पूछते हैं पानी में क्यों फेंक दी। अब सुनिए इसको कहते हैं तरबियत, जब कभी हुआ कहते थे वो कहते हैं बाबा आप रोज हुआ हम सबको नहीं कहते कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। शैतान भी नस्ल मार देंगे, शैतान
यदि वालों का काम है पी जाने तो कितना बड़ा खलीजा पी वालों के और हजरत शहीद ने इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला को उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक नहीं चार नहीं बाईस नहीं बत्तीस नहीं बतालीस नहीं है बासठ नहीं बल्कि बहत्तर कत्ल होते देखे बोलिए कत्ल का मैंने आपके लिए बोला है ताकि आप बात की गहराई को समझ सकें छोटी बात नहीं आंखों के सामने छोटे भाई अली असगर शहीद हो गए आंखों के सामने बड़े भाई अली अकबर शहीद हो गए आंखों के सामने सामने हजरत अब्बास चचा शहीद हो गए आंखों के सामने अपने चचा हजरत इमाम हसन मुस्तफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की निशानी हजरत इमाम कासिम शहीद हो गए। अब देखे ना किताबों में लिखा पड़ा है जब हजरत इमाम अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और आपका जिस्म मुबारक मैदान कर्बला में पड़ा था इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला जब आपके जिस्म मुबारक को उठाने के लिए गए तो लिखा आपके सर मुबारक और आपकी दाढ़ी मुबारक के बाद जया थे लेकिन वो इतना बड़ा सामना था। फाइनली गाइस बयान खत्म हो चुका है वो काफी समय आप लोग क्यू टीवी पे जरूर भी सब लोग मिल रहे सो फाइनली गाइस जो बयान हुआ था ना वो बहुत ज़बरदस्त था तो महफिल अब ख़त्म हो चुकी है दुआ और ये दुआ होने के बाद बस हम भी निकलेंगे तो मैंने कहा चलो अब आपसे सीधा भारी मिलते हैं और इस व्लॉग को ही इवेंट कर देते हैं। फिलहाल मैं सुपर मैं करता हूँ आई होप आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक कर दें चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जिन्हें ब्लॉग में थैंक्स वॉचिंग यार एक बात सुन लो तो अब जो जाने का ब्लॉग होगा ना वो नेक्स्ट में देखना क्योंकि बहुत लंबा हो गया यार वन नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा तो बाय।